बोकारो जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ बोकारो सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मरीजों को अस्पताल से मिलने वाली सुविधा की जानकारी ली गई। कई प्रकार की गड़बड़ियां देखने को मिली। स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रही लापरवाही व बदहाली देख उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल भड़क उठे। राजधानी नहीं होते हुए भी बोकारो कोरोना काल में भी सभी मामलों में बोकारो की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था उम्दा साबित हुई है। पर आज बोकारो की स्वास्थ्य व्यवस्था को देख ले तो कई प्रकार के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। कभी एक्सपायरी दवा को लेकर सुर्खियां बटोरने तो कभी शिशु मृत्यु दर को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रसूखदार ये अस्पताल है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेड उपकरण अन्य सुविधा से लैस है। सबसे बड़ी बात है यहाँ ना तो चिकित्सकों की कमी है ना ही अस्पताल भवन की, पर कुछ चिकित्सक जो काम करने के आदत नहीं है वो मरीजों को भर्ती करने के बजाय भगा देते हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बोकारो के सदर अस्पताल की बात करें तो चिकित्सक 26 नर्स ए ग्रेड, 40 फार्मासिस्ट, 7 लैब टेक्नीशियन, 8 एक्सरे टेक्नीशियन, 2 ओटी सहायक, 2 आईसीयू सहायक, 2 ड्रेसर, 3 नेत्र विभाग के सहायक, 2 अन्य स्टाफ 70। अस्पताल में मिलने वाली सुविधा डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजिकल लैब एसआरएल, फिजियोथेरेपी सेंटर, 26 वेंटिलेटर युक्त बेड, आईसीयू, बेबी केयर यूनिट, 24 घंटे बिजली की सुविधा, सोलर सिस्टम भी उपलब्ध है। एम्बुलेंस सेवा, नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों के रहने का इंतजाम, ट्रूनेट मशीन, 4 सेट कोरोना जांच के लिए ईसीजी मशीन सुविधा, संपन्न ब्लड बैंक, कैंटीन, अन्य सुविधाएं, फिर ये बदहाली सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने बताया कि सदर अस्पताल में मरीजों को मिलने वाला खाने में कोताही बढ़ती जा रही है। इस पर बोकारो सिविल सर्जन को निगरानी रखनी चाहिए। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर समस्या को अवगत करवाएंगे। परिसर से ही मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी उपायुक्त से टेलीफोनिक बातचीत कर मामले को अवगत कराएं। बाहर से आ रहे मरीजों के लिए दाल भात केंद्र खोलने की मांग की। मौके पर अजीत सिंह चौधरी, आशा देवी, मनोज कुमार, वीणा देवी, मिठू मलिक, संजय गोप समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। चंदन क्यारी से मुकेश कुमार महता की रिपोर्ट। जिला विश्व स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की ओर से आज बोकारो जिला सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में काफ़ी त्रुटियां प्राप्त हुई, जिसमें मरीजों को जो खाना दिया जा रहा था उसमें सब्जी और दाल का जो स्थिति है निश्चित रूप से वो खाने लायक नहीं था। उसके अलावा महिला शौचालय का भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। बाकी जिस तरीके से भीड़ है हॉस्पिटल में देखा गया, उसको नियंत्रित करके दिखाने का जो सिस्टम है उस सिस्टम की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम लोग जिला के सिविल सर्जन से बात करेंगे। उसके आगे सबसे दुख का बात है कि यह एकमात्र सदर अस्पताल है जो बोकारो जिला के 9 प्रखंड के लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर एक दाल भात योजना की केंद्र होनी चाहिए। इस संबंध में उपायुक्त महोदय से हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर एक दाल भात केंद्र होना चाहिए। दाल निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।